का रेगर खिलाते, जान से खेल कर जान बचाते। अरे मैं भी कह रहा हूँ यार, वीडियो दे रहा हूँ वो देखने में जाहिर तौर पर बहुत छोटा है, लेकिन काम बड़े बड़े लोग करते हैं, जैसा कि अभी सामने बताया कि ऐसा जज्बा जैसा भगत सिंह साहब और सुखदेव साहब जिस तरह से रखे हैं, ये जज्बा रखने वाला बच्चा है। अल्लाह आप लोग के फॉर्म को बुरी नज़र से बचाए, आप लोग के इत्तेहाद को कायम रखे, आप लोग के यूनिटी में जलन असर रखने वालों को से आप लोग को महफूज रखे, ये दुआ है हमारी। और शर्मिला का खासतौर पर आपको आपको बोले बोले साथ ही साथ बोले कि उनके मम्मी को मेरे तरफ से सलाम कहना बोले, आप पजिया करा करते हैं यहाँ देखें कि उनके तरफ से आप मैसेज कर देता हूँ। एक बोले पेट्रियोटिज्म सिक्युलरिज्म और ह्यूमैनिटी की नज़र से बचाए, और जो है ना हर चलन असर से बचाए, और आपकी मेहनत और आपका जो जज्बा है ना, इसमें आप जाना ते मेरा नाम सरदार सतपाल सिंह, मैं नीलोफर से जा रहा तो रोड पे हादसा देखा था, तो एक इंसानियत के नाते रुक कर देखा तो खून जा रहा था उसका, तो कुछ भी समझ नहीं आया, तो पगड़ी उतार कर तो उसको पूरा मरहम पट्टी करा, खून जा रहा था पूरा कट गया था, तो एक इंसानियत के नाते इंसान को उतर कर सबको मदद करना चाहिए, ना कि देख कर तमाशे करे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं सैयद मतीन अहमद YSRTP को रिप्रेजेंट करता हूँ। चंद दिन कबल जो सैफाबाद में एक हादसा पेश आया था, उसके चलते जो हमको A18 न्यूज़ और जहांगीर भाई आपके तरफ से, इमरान भाई आपके तरफ से और अहमद भाई आपके तरफ से जो हमको न्यूज़ मिली कि वहां पर इस तरह से हादसा पेश आया, आज का जो माहौल चल रहा है, मज़हब के नाम पर जो दंगे फसादें हो रहे हैं, मज़हब के नाम पर जो मारा जा रहा है, वहाँ पर जो है ना इंसानियत का खात्मा हो रहा है। ह्यूमैनिटी इज़ ऑन दी वर्ज ऑफ डाइंग, इंसानियत मरने की कतार पर है। वहीं पर जो है ना इस नौजवान लड़के सनी ने अब एक मिसाल कायम की है, इंसानियत के नाम पर, पेट्रियोटिज़म के नाम पर, सेक्युलरिज्म के नाम पर सनी ने मिसाल कायम की है। मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूँ। मैं वहाँ उस हादसे में एक लड़का बहुत शदीद ज़ख्मी था, जिस तरह से आप लोग बताए, इस लड़के ने किसी चीज़ की परवाह ना करते हुए अपने सर से पगड़ी उतार दी
अगर इस बात पे गौर करें आप कि एक सिख सरदार मर्द अपने सर से पगड़ी उतारने का मतलब होता है वो अपने सर की शान आन और ताज को उतार रहा है। उतार कर उसने ये नहीं देखा, उसने अपने बड़े सिखाए हुए रास्ते पर चलने के लिए एक खून में लहू लुहान होने वाले शख्स को अपनी पगड़ी उतार कर उसको ज़ख्म पर बांध कर उसकी जान बचाई और जो है ना उसको हॉस्पिटल तक पहुँचाया। तो मैं शर्मिला जिस मोमेंट जैसा हमको पता चला ये शर्मिला का पार्टी प्रेसिडेंट और हाई कमांड के तरफ से मुझे डायरेक्शन दिया गया कि फ़ौरन जाइए और फैसिलिटेट करिए, तो मैं इस लड़के को हिम्मत अफजाई करने के लिए और फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और मैं आज मीडिया के ज़रिए नौजवान यूथ को ये अपील करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आइए, YSRTP ज्वाइन करिए, पॉलिटिक्स ज्वाइन करिए, आगे बढ़िए। अनपढ़ जाहिल गंवार फितना फसाद करने वाले पॉलिटिशियंस लीडर्स को MLAs को मिनिस्टर्स को हटाइए, आप लोग आगे बढ़िए, आगे बढ़कर काम करिए। अब देखिए एवरी ट्यूसडे अक्का जिस तरह से दीक्षा रखते थे, भूख हड़ताल रखते थे, उसका असर ये हुआ कि 7 साल से KCR साहब जॉब्स नहीं निकाले। ये जो है ना 15-20 भूख हड़तालों की इसमें अक्का ने जो 15-20 भूख हड़ताल किए हैं, दीक्षा किए हैं एवरी ट्यूसडे, उसके चलते KCR साहब ने 80,000 जॉब्स नोटिफिकेशंस निकाले हैं। और मैं दुआ करता हूं कि वो नोटिफिकेशंस अमल में भी आए, ऐसा ना हो कि अक्का के डर से आप खाली नोटिफिकेशंस निकाले। और अक्का फ़िलहाल पदयात्रा पर है तमाम तेलंगाना स्टेट में। मैं सिख कम्युनिटी से गुजारिश करता हूं, ख़ासतौर पे सर आपसे गुजारिश करता हूं कि YSRTP में ज्वाइन होने के लिए, क्योंकि शर्मिला रेड्डी कोई और नहीं है, राजशेखर रेड्डी साहब की बेटी है, वो एक सेक्युलर चीफ मिनिस्टर थे, और माइनॉरिटीज़ के लिए तो वो ख़ासतौर पे अपने हर बहुत कुछ करे, रिज़र्वेशन से लेकर एम्बुलेंसेस से लेकर सारी चीज़ों से लेकर। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि YSRTP ज्वाइन करें, और से मुबारकबाद देता हूँ कि जो है ना आप आएँ। और अक्का के तरफ से शर्मिला अक्का ने भी आपको ख़ास तौर पे सलाम भेजा है और आपसे कहा है कि जो है ना वो पदयात्रा में आप आकर मिले या वो यहाँ पर आएंगे, ठीक है, और मुबारक हो आपको। शुक्रिया आपको। के नाम से सोसाइटी है, वो सोसाइटी भी बहुत से तैयारियाँ कर रहे हैं इसके लिए। आप सभी से भी अपील है, ये जो देश के जो शहादत जिन्होंने दी, आज बेशक वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज हम जो आज़ाद हिंदुस्तान में आज़ादी से जो हम सांस ले रहे हैं, ये उन सब की बदौलत है। हम सबका फ़र्ज है कि उन्हें हमेशा हमेशा याद रखें, क्योंकि यही थे जिन्होंने अपना जवानी हमारे देश पर कुर्बान किया। आज उनकी बदौलत ही हम जिंदा। अगर ये भाई साहब, अगर मतीन साहब अगर हमारे बीच आज नहीं आते, तो शायद हो सकता है इस बच्चे के बारे में ये माध्यम से आप सब तक पहुंचाने में शायद हम कामयाब नहीं होते। उन्होंने आके हमें भी याद दिला, हम वीडियो देख चुके थे, लेकिन ये जो आपके माध्यम से जो हजारों लोगों तक बात पहुंच रही, हम YSR कांग्रेस के जो नुमाइंदे बनकर यहाँ पर आए, हम उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की। सरदार भागेंद्र सिंह, मौजूदा प्रेसिडेंट प्रबंध कमेटी गुरुद्वारा साहब अमीरपेट, आप सबके माध्यम से ये आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि अपने ही शहर का बच्चा, अपना देश का एक नागरिक, जिस उम्र में बच्चे ऐसे हादसों को देखकर कई बार डर के दूर भाग जाते हैं, लेकिन इस बच्चे ने जो अकेला था, एक सिख के लिए पगड़ी सबसे बड़ी ताज है, इसे किसी की भी हिम्मत नहीं है उस पर हाथ डाले, लेकिन सरदार जो है वो उसको अपने इज्जत से ज़्यादा, उसको उस हालात में उस ज़ख्मी आदमी को बचाना ज़्यादा मुनासिब समझा उसने, और उन्होंने अपने सिर की पगड़ी निकाल कर जो भी फर्स्ट एड हो सकता था उस समय मैं मरम पट्टी कर उसके बहते हुए खून को रोकने की कामयाब कोशिश की। उस बच्चे ने उस इसी बीच पुलिस को भी फ़ोन किया, एम्बुलेंस को भी इन्फॉर्म किया, वो सभी आए और उस ज़ख्मी बच्चे को हॉस्पिटल पहुंचाने में इन्होंने मदद की। इस बच्चे ने जो किया, ये इनके सिखाए हुए, इनके माता पिता के सिखाए हुए संस्कार है, और सबसे बड़ी उनके ऊपर, उनके माता को पिता को जो सिखाने वाले थे वो हमारे गुरु साहब थे, जिनके उपदेशों पर चलकर हम आज ऐसे ऐसे छोटे छोटे कारनामे, जो छोटी छोटी उम्र में बच्चे भी बड़े बड़े कारनामे करते हैं। होता यह है कि जब कभी भी रोड पे कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है,
तो हर कोई अच्छे से अच्छा बड़े से बड़ा आदमी भी उस हादसे से दूर भागने की कोशिश करता है ताकि हम किसी पछड़े में ना पड़ जाएं। कभी आके कभी पुलिस वाले हमसे कोई सवालत ना करे, हम क्यों ये सरदर्दी ले। लेकिन इस बच्चे ने उन सब की परवाह नहीं की और अपना जो फ़र्ज था, जो उन्होंने जो अपने माता पिता से सीखा, अपने गुरु से सीखा, वो फ़र्ज़ को अदा किया। आज जो हम आने वाले 23 मार्च को, जिस दिन शहीद भगत सिंह जी, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को फांसी दी गई थी, आज वे बेशक हमारे बीच नहीं है, लेकिन हम हर साल आप देख रहे हैं कि चौराहे पर यहाँ पर भगत सिंह का खड़ा हुआ स्टैचू लगा हुआ है, हर साल वहाँ पर उनकी याद में उनका शहादत का दिन मनाते हैं। यही हालात थे जिस दिन भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव ने सारे सोते हुए देश को जगाने के लिए उसी शहादत के दिवस को मनाने की हम तैयारियां कर रहे थे। इस बीच हमारे में ये खुशखबरी आई कि इस बच्चे ने भी ऐसा कारनामा किया। तो मेरी सबसे अपील है कि जब कभी भी ऐसे रास्ते में कोई ज़रूरतमंद हो, कोई ज़ख्मी हो, इसे प्रेरणा ले और उनकी मदद करें उस समय हालात में। ये सभी से मेरी गुजारिश है, इस एक चिराग से हज़ारों चिराग जला सकते हैं, ये आपके माध्यम से मैं आप सबसे अपील करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ से लेकर वहाँ स्टैचू तक जाएंगे, गुरुद्वारे से लेकर गुरुद्वारा अमीरपेट से लेकर 23 तारीख के दिन सुबह में यहाँ से लेकर वहाँ स्टैचू तक जाएंगे। और इस बीच हमारे एरिया के जो तलसानी श्रीनिवास साहब मिनिस्टर साहब है, उन्होंने भी बहुत